वो कहते हैं ना, हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का डेरा होता है। हेलो दोस्तों, इन मोटिवेशनल लाइंस के साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी मित्रों का सराहनीय योगदान था, आपने सराहनीय काम किया, आपने फुल सपोर्ट किया। कल ट्रेंडिंग पर यूट्यूब और ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चल रहा था SSC हैशटैग SSC डिक्लेयर रिजल्ट सीरियल रिजल्ट और हैशटैग स्पीकअप फॉर SSC रेलवे। दोस्तों ये पूरे दिन ट्रेंडिंग पर चलता रहा, चाहे ट्विटर हो चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक, हर जगह पर यह खबर चलती रही दोस्तों। और कुछ मीडिया वालों ने भी इस बात का सपोर्ट किया दोस्तों, उसमें मुख्यतः NDTV के रवीश कुमार ने सपोर्ट किया दोस्तों। और इसमें बहुत सारे टीचरों का भी योगदान रहा, जैसे कि हमारे सर द रेवोल्यूशनरी मैन अभिनय शर्मा का, उसके बाद गगन प्रताप सर का, उसके बाद और भी सर विवेक सर हो गए, इन सब का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए SSC ने, मतलब इसे हम कहें डर के कारण या फिर इस मतलब जो क्रांति फैली हुई है इसे शांत करने के लिए, या फिर जो भी हो उनका मोटिव शांत करने के लिए, SSC ने कल एक नोटिस जारी किया, जिसमें आप लोग खुद ही देख लीजिए दोस्तों क्या नोटिस था। आप लोग खुद ही देख लीजिए, देखिए दोस्तों यह नोटिस था, क्या नोटिस है दोस्तों देख लीजिए आप। SSC ने कल नोटिस डाला है, रिजल्ट्स के डेट्स अनाउंसमेंट कर दिए दोस्तों SSC ने। दोस्तों जीत की शुरुआत तो हो चुकी है, चाहे जीत छोटी ही क्यों ना हो दोस्तों, आप सभी ने फुल सपोर्ट किया, इसी के बदौलत यह मुमकिन हुआ। देखिए दोस्तों कल SSC ने शाम को एक अपडेट जारी किया, जिसमें SSC ने रिजल्ट के डेट्स को अनाउंसमेंट कर दिया। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का डेट देखिए, और हिंदी ट्रांसलेटर मतलब सबका डेट देखिए बता दिया है, जून में आने वाला है इसका, और कंबाइंड जून दोस्तों जून में था, मतलब डिक्लेरेशन था जून में दोस्तों, लेकिन अब जो होगा देखिए दोस्तों इसका जून में आ चुका था इसका भी लगभग तो, और बाकी का भी देखिए दोस्तों डेट आ चुका है, इन सब का भी आ चुका था दोस्तों तो, और बाकी का भी डेट देखिए दोस्तों डेट आ चुका है, या सितंबर में आने वाला है या अक्टूबर में इसका मल्टीटास्किंग का आने वाला है दोस्तों। इन सब का पहले ही जून में आ चुका था दोस्तों। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल का 21 तारीख को सितंबर में आने वाला है रिजल्ट, और मल्टीटास्किंग का दोस्तों 10 अक्टूबर में 31 तारीख को आने वाला है। और दोस्तों कम ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है CGL का, उसका भी देखिए दोस्तों Tier 3 2018 का जो हुआ था Tier 3, उसका रिजल्ट देखिए दोस्तों अक्टूबर में 4 तारीख को आने वाला है दोस्तों। यह जो है थोड़ा सा ही सही पर जीत की शुरुआत है, यह सब आपके और आपके कठिन प्रयासों के चलते ही मुमकिन हुआ है। और दोस्तों इसी तरह से हमें इस क्रांति को जारी रखना है, अभी तक ट्विटर पर और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में तो चल रहा है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको फुल सपोर्ट बनाए रखना है दोस्तों। और जिस तरह से हैशटैग SSC डिक्लेयर रिजल्ट सीरियल रिजल्ट और हैशटैग SSC स्पीकअप फॉर रेलवे ट्रेंडिंग में चल रहा है लगातार, उसी तरह आपको रेलवे के लिए भी करना पड़ेगा, ताकि रेलवे का जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी से आ जाए, वरना सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगने वाली है दोस्तों। आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को खुद के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, अपनी पीढ़ी के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें जो भी यह क्रांति रेवोल्यूशन जो चल रहा है सरकार के खिलाफ, इसमें दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है दोस्तों, पॉलिटिकल कनेक्शन कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी अपना पर्सनल मोटिव नहीं है दोस्तों, पर्सनल मोटिव या फिर खुद का फ़ायदा वाली बात कुछ भी नहीं है। ये सब स्टूडेंट्स की भलाई, हमारी भलाई, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, अपनी पीढ़ी की भलाई के लिए किया जा रहा है दोस्तों। किसी भी तरह के सरकार को सपोर्ट नहीं करती है, किसी भी तरह का मतलब पॉलिटिकल पार्टी लीडर या फिर किसी को भी सपोर्ट नहीं करती दोस्तों। बस हमें सरकार से भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उनके जो रवैया है स्टूडेंट के प्रति उस चीज़ से प्रॉब्लम है, वरना सरकार तो वैसे भी चल रही थी दोस्तों, तो हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, बस वो उनका जो रवैया स्टूडेंट के प्रति वह थोड़ा चेंज हो जाए दोस्तों, और हमारा कुछ नहीं तो और कोई मोटिव नहीं है दोस्तों। तो ठीक है फ्रेंड्स, और जो बाकी अपडेट आता रहेगा मैं आपको दे दूंगा अगले वीडियो में, तो आप अपने फुल सपोर्ट को बनाए रखें, ताकि रेलवे का जो भी है एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए, क्योंकि रेलवे का लगभग 2 साल से ऊपर 1.5-2 साल हो चुका है दोस्तों, उसका भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया दोस्तों, तो आप सपोर्ट बनाए रखें ताकि रेलवे का डेट जो है जल्दी से जल्दी आ जाए आ पाए। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके फुल सपोर्ट के लिए
आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।